हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, कल है 12 अगस्त, 12 अगस्त है कल। और कल के दिन ब्राइटकॉम ग्रुप ने बताया था कि हमारे क्वार्टर टू के रिजल्ट 2023-24 के आएंगे। कल रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, BCG का पहले नोटिफिकेशन आया था क्वार्टर टू के रिजल्ट 12 अगस्त को और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट 20 अगस्त को कंपनी डिक्लेयर करेगी। बट आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले ही ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से नोटिफिकेशन आया था कि साडा एंड कंपनी ने रिज़ाइन कर दिया है एज अ ऑडिटर। बट उसी के साथ में प्रदीप एंड प्रदीप कंपनी को अपॉइंट किया गया है एज अ ऑडिटर। तो कल रिजल्ट आ सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से कल रिजल्ट नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि भाई पहले के साडा एंड कंपनी ने तो बीच में काम छोड़ दिया है, अब नई जो ऑडिटर है वो ऐसा तो नहीं है कि भाई 4-5 दिन में ही तुरंत जो स्टडी करके ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश कर देगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं है जिसमें कंपनी कहे कि कल का मीटिंग कैंसिल हो चुका है, एडजर्न हो चुका है टिल फर्दर नोटिस, या फिर ऑडिटर अभी नए हैं तो टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी एक्सप्लेनेशन आया नहीं है। तो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि कल रिजल्ट आएंगे क्या नहीं आएंगे, और आएंगे तो किस बेसिस पर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बट कंपनी हो सकता है कल ड्यूरिंग मार्केट या मार्केट बंद होने के बाद भी नोटिफिकेशन दे कि हमारे रिजल्ट आज नहीं आने वाले हैं। एक्चुअली कंपनी का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कल रिजल्ट नहीं आने वाले होंगे तो कंपनी ने आज ही बताना चाहिए। बट ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने नोटिफिकेशन दिया जबकि साडा एंड कंपनी ने पहले ही को कह दिया होगा कि हमारी ओर से कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी कंपनी की ओर से 12th और 20 अगस्त का डिक्लेयर किया गया। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये तो नहीं चाह रही है कि शेयर में तेजी आए, शेयर में अपर सर्किट लगे और कुछ उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो लोग अटके हुए हैं, वो बेचकर निकल जाए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कल रिजल्ट आएंगे, बट हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए, कल रिजल्ट आ जाए तो पता नहीं। क्योंकि अभी तक तो मैनेजमेंट की ओर से रिजल्ट कैंसिल, बोर्ड ऑफ कल की मीटिंग कैंसिल हुई है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। पर जहाँ तक टेक्निकली मुझे लगता है कल रिजल्ट नहीं आएंगे। चलो आ गए तो अच्छी बात है, बट कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन ड्यूरिंग मार्केट आता है या मार्केट बंद होने के बाद आता है? क्योंकि जनरली ब्राइटकॉम ग्रुप की आदत है कि वो रिजल्ट काफ़ी लेट पब्लिश करती है, मार्केट बंद करने के बाद ही करती है। तो कल जो भी नोटिफिकेशन आएगा मार्केट बंद होने के बाद ही आएगा, एक तो रिजल्ट का आएगा या रिजल्ट का मीटिंग कैंसिल हो गया इसके बारे में आएगा। देखते हैं कल क्या होता है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि कल एवरेजिंग भी करना नहीं चाहिए या बाइंग की कोशिश भी करना नहीं चाहिए जब तक कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है, जब तक ब्राइटकॉम ग्रुप में और पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मर्जी आपकी है, आप डिसीजन ले सकते हो स्टडी करके, क्योंकि अभी भी काफ़ी बातें क्लियर नहीं है। काफ़ी लोग और ये होप में कि सब ठीक हो जाएगा, पैसा लगाते जा रहे हैं और अटकते जा रहे हैं। और कोई कोई यूट्यूबर ऐसा कहते हैं कि भाई कौन बाय कर रहा है, और भी बाइंग हो रही है, आज ना कल तो सब ठीक हो जाएगा, और कंपनी का बुक वैल्यू इतना है, ये है वो है। तो मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कल रिजल्ट आ गया तो अच्छी बात है, पर नहीं आया तो और भी पैनिक का सिचुएशन हो सकता है, दोनों बातें पॉसिबल है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। तो कल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। कंपनी अगर कल रिजल्ट पेश करने वाली नहीं होगी तो एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आज ही बता देना चाहिए। और अगर कंपनी कल मार्केट बंद होने के बाद कहती है कि भाई रिजल्ट आज आने वाले नहीं है, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि मैनेजमेंट के मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैनेजमेंट ऑनेस्ट होती तो आज ही डिक्लेयर कर देती अगर रिजल्ट नहीं आने वाला होगा तो, और कल अगर रिजल्ट आता है तो उससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। रिजल्ट आता है तो उस पर साइन कौन करता है, और रिजल्ट कैसे आते हैं, और उसमें सब्सिडरी का भी जो है प्रॉफिट लॉस ऐड होता है कि नहीं, कि सिर्फ स्टैंडर्ड वन कंपनी डिक्लेयर करती है, ये काफ़ी सवालों के जवाब कल हमें मिलने वाले हैं। आशा करते हैं रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखते कल क्या होता है, देखते हैं, पर आशा करते हैं कि कल रिजल्ट आ जाए और कंपनी की ओर से पॉजिटिव ही अपडेट आए, ना कि कोई निगेटिव अपडेट आए। थैंक यू फ्रेंड्स।